देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। जैसा कि आज 6 जनवरी है और पत्रकार दिवस है, तो ऐसे में यहाँ के भिवंडी के जो भी पत्रकार है सब ने एक कार्यक्रम रखा यहाँ पर बाल सुधार गृह में। यहाँ पर सबकी पत्रकारों की ओर से बच्चों को फल, बिस्किट, अनेकों किस्म के फल वितरित किए गए। ऐसे में हम बात करेंगे अब्दुल गनी खान जिन जो एक उर्दू हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी है। आइए हम जानते हैं। आज पत्रकार दिन के अवसर पर हमको ये मौका मिला कि इन बच्चों के बीच में आने का, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर बच्चों के लिए फल फ्रूट और अपना बिस्कुट वगैरह यहाँ पर दिया गया। हिंदी उर्दू पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे और सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि सब लोगों ने अपना टाइम यहाँ पे दिया और सबका सहयोग इसमें मिलाकर यहाँ पे जो भी कार्य किया गया इन बच्चों के बीच में, ये बहुत अच्छा और लगा हम लोगों को कि इस तरह कार्यक्रम करने का मौका मिला। तो क्या ये हर वर्ष इसी तरह प्रोग्राम किए जाते हैं? हर वर्ष नहीं, हर महीने इस तरह प्रोग्राम पत्रकार संघ करेगी और हम पहले भी हम लोग करते आए हैं और अब पत्रकार संघ के नाम पर किया जाएगा इन बच्चों के बीच में, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनको भी माँ बाप का एक जो सहारा होना चाहिए, माँ बाप के बीच में रहने का जो खुशी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती, और हम लोग यहाँ जब आते हैं तो बच्चों को भी खुशी मिलती है और हम उनके बीच रहते हैं तो इनको भी खुशी मिलती है। कोरोना काल है इसलिए बच्चों के बीच में नहीं जा गए हम लोग, अधिकारियों को दे दिया गया है सामान, जो भी सामान लाया गया था उनको खिलाने के लिए तो अधिकारियों को दे दिया गया, नहीं तो हम बच्चों के बीच में खुद बैठते और उनको खिलाते और खाते भी। हर साल 6 जनवरी को पत्रकार दिवस का आयोजन होता है। सबसे पहले मैं सभी पत्रकारों को पत्रकार दिवस की शुभकामना देता हूं और शुभकामना देता हूं उर्दू हिंदी पत्रकार संघ को, जिन्होंने आज एक अच्छी पहल, अच्छी सोच पत्रकारिता दिवस पर दिखाया। छोटे छोटे बच्चों को जो भी उनके ज़रूरत की सामान है वो ला के उनको यहाँ पर दिए। मैं संस्था के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल गनी खान को इस अच्छे पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि यह जो प्रोग्राम है यह निरंतर होता रहे। यहाँ पर जितने भी पत्रकार बंधु हमारे उपस्थित हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद।